हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ये कहा था कि सर लॉग एंटी लॉग फाइंड करना सिखा दो, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बार 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 आपको न्यूमेरिकल में इसके साथ डील करना पड़ता है ना। और अगर आपको लॉग एंटी लॉग फाइंड करना नहीं आता है तो आप ऑलवेज उस न्यूमेरिकल्स के अंदर डिफिकल्टी फेस करने वाले हो, ठीक है। अब ना आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, ना आपके पास लॉग टेबल अवेलेबल है। इन दोनों चीजों के बिना भी आप लॉग निकाल सकते हो, वो भी एक्यूरेटली और बहुत ही क्विकली, बहुत क्विकली विद इन 30 सेकेंड यू कैन फाइंड द लॉग। अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको ऐसे और एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहे। और अगर आपको ये वीडियो में मजा आए, अगर आपको लॉग फाइंड करना समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले बहुत बेसिक, लॉग का मतलब क्या होता है, राइट। तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि लॉग ऑफ 8156, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, बेसिकली हम लॉग टू द बेस 10 निकालते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि 10 का कौन सा पावर, 10 का कौन सा पावर ये वैल्यू देगा आपको 8156। अब बहुत बच्चों को यही बेसिक नहीं पता होता है कि लॉग सीरीज है क्या, लॉग सीरीज क्यों बनाया है, राइट। तो लॉग 10 बेस का मतलब है कि 10 का कौन सा पावर आपको ये नंबर देगा आंसर में। समझा आप इतना बेसिक, ओके। चलिए, अब दो बहुत ही छोटे छोटे लॉग के रूल जो हम बार बार यूज करेंगे। रूल कुछ ऐसे है कि अगर लॉग ए इंटू बी है, क्या है लॉग ए इंटू बी है, मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जब हम नंबर का निकालेंगे इसका काम पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, राइट। एंड इफ यू हैव लॉग ऑफ ए रेस टू एन, ठीक है ना, तो ये एन पावर आगे आ जाता है, राइट। तो पहले आपको ये बेसिक रूल पता होने चाहिए तो आप नंबर के लॉग आराम से निकाल सकते हो। चलिए, मैं आपको दो नंबर के लॉग निकाल के दिखाने वाला हूं, दैट इज लॉग ऑफ लेट्स से 3587, ओके। इसका कितना लॉग होगा, एंड वी विल फाइंड लॉग ऑफ लेट्स से 0.00017785। आई एम टेकिंग एनी रैंडम नंबर्स, आप कोई भी नंबर लेके कर सकते हो। चलिए बच्चों, अब सबसे पहला रूल लॉग निकालने का ये है कि नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या करना है, सबसे पहले नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है लॉग निकालते वक्त, ध्यान रखना ये बात, ओके, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लॉग ऑफ 3.587 इंटू 10 पावर 3, ये हो गया इसका साइंटिफिक फॉर्म। इज इट क्लियर, ओके। यहां पे लॉग ऑफ 1.785 इंटू 10 पावर 1, 2, 3, 4 -4, इज इट क्लियर। तो स्टेप वन, कन्वर्ट करना है आपको उसको साइंटिफिक फॉर्म में। अगर आपने साइंटिफिक फॉर्म कन्वर्ट नहीं किया, ओ भाई क्या है साइंटिफिक फॉर्म, साइंटिफिक फॉर्म मतलब पॉइंट के पहले एक डिजिट इंटू 10 पावर, दैट्स अ साइंटिफिक फॉर्म जो आप 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए, साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, अब मैं ये रूल यूज करूंगा, लॉग ए इंटू बी, इट इज लॉग ऑफ 3.587 इंटू का हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ 10 पावर 3। यहां पे आ जाओ, लॉग ऑफ 1.785 इंटू का हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ 10 टू द बेस -4। चलिए, यहां पे आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो, पावर आगे आ जाएगी, तो दिस वुड बी 3 आगे आ गया, लॉग ऑफ 10 बेस 10, राइट। एंड लॉग 10 बेस 10 इज 1, रिमेंबर दिस, राइट। कभी भी आपके पास ये ऐसा होता है लॉग ए बेस ए, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, दैट्स अ सिंपल रूल। यहां पे आ जाइए बच्चों, पावर आगे आ जाएगा, ये हो गया लॉग 10 बेस 10, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो अपना कितना हो चुका है 3 हो चुका है, ये कितना है -4। द प्रॉब्लम इज टू फाइंड दिस 1, ये कितना होगा, यहीं पे मोस्टली बच्चों को तकलीफ होती है, यही तो हमारा ट्रिक है, यही तो हमें सीखना है। चलिए बच्चों, तो अब आपको कुछ पर्टिकुलर डेटा याद रखना है, बहुत कम डेटा आपको याद रखना है, बाकी मैं आपको बताऊंगा कि बाकी कैसे याद करते हैं। सो सबसे पहले लॉग ऑफ 1.0, राइट। देखो, आपका साइंटिफिक फॉर्म में नंबर होगा तो 1 पॉइंट या एक नंबर के बाद पॉइंट के बाद कुछ आएगा, तो साइंटिफिक फॉर्म में आपका नंबर ऐसे ही होगा, एक डिजिट पॉइंट समथिंग। तो इफ इट इज लॉग 1.0 द वैल्यू इज 0,
कितना वैल्यू होता है इसका, जीरो होता है, ठीक है। लॉग टू, लॉग टू का वैल्यू होता है, लॉग टू मतलब 2.000, उसका वैल्यू होता है 0.301। कितना वैल्यू होता है 0.301, इसका मतलब समझाऊं, इसका मतलब यह है कि 10 का कितना पावर आपको आंसर में 2 देगा, समझे, मैंने पहले ही आपको बताया था ये। तो लॉग का 0.301 पावर 10 का, अगर आप 10 का 0.301 पावर करोगे ना, यू विल गेट दिस आंसर एज 2, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो लॉग 3 भी आपको याद रखना है, वैल्यू है लॉग 3 का 0.477, कितना है मुन्ना 0.477, ज्यादा एक्यूरेट जाओगे, इसके बाद एक और डिजिट आता है 1 जो हम नहीं लेंगे तो भी चलेगा, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉग 4 मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगा आपको, छोड़ रहा हूं, अभी बताऊंगा कैसे करेंगे। लॉग 5 रट्टा करना पड़ेगा 0.699, लॉग 5 का वैल्यू 0.699 याद रखेंगे। चलिए लॉग 6 रट्टा नहीं मारेंगे बिल्कुल भी, ये बाहर आ गया ना, अंदर डालते हैं इसको। लॉग 6 रटेंगे नहीं, मैं बताऊंगा आपको ट्रिक कैसे करना है उसको। लॉग 7 रटना पड़ेगा आपको, लॉग 7 का वैल्यू है 0.845। लॉग 8 कोई काम नहीं है रट्टा करने का, लॉग 9 कोई काम नहीं है रट्टा करने का, राइट, ठीक है। और आखिरी वैल्यू है बच्चों लॉग ऑफ 0.99, दैट इज लॉग ऑफ 9.9, और यू कैन से लॉग 10, लॉग 10, 10 की जगह आप 9.9 रखो, इट विल बी मोर एक्यूरेट, दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू 1। अभी जो जगह मैंने छोड़ी है वो भर के दिखाऊंगा आपको, देखो भाई 4 क्या होता है, 4 इज 2 स्क्वायर, 4 क्या होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, राइट, तो लॉग 2 को डबल कर दो, यू विल गेट द लॉग 4, लॉग 2 को डबल करो, इसको डबल करो 0.602, है कि नहीं, हो गया, क्या जुगाड़ लगाया यहाँ पे हमने, 4 को हमने किया 2 का स्क्वायर, क्या किया हमने 4 को 2 का स्क्वायर। चलिए लॉग 6 कितना हो जाएगा, तो लॉग 6 मतलब 2 × 3, तो 2 और 3 के लॉग को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, चलो कितना हो जाएगा 0.778, राइट। लॉग 8 मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, राइट, तो 2 के लॉग को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 के लॉग को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 का लॉग ये रहा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 0.903, इजी, वेरी इजी। 0.9 का लॉग क्या होगा, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 के लॉग को डबल कर दो, ये रहा 3 का लॉग, इसको डबल करो, कितना होगा ये पॉइंट, इस विल बी 4, कितना हो जाएगा 0.477 × 2 करो आप फटाफट, कितना आ रहा है, लेट मी ऑल्सो काउंट 477 × 2, दिस इज 0.954। ओके, इतना डेटा अगर आपको याद है ना तो आप कोई भी लॉग निकाल सकते हो। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक क्या है वो, आई वॉन्ट टू फाइंड दिस लॉग, किसका लॉग फाइंड करना है मुझे, लॉग ऑफ 3.584, ठीक है, 3.584 कहाँ पे आएगा, दिस विल बी इन बिटवीन 3 और 4, कि नहीं, 3 point something है ना, तो इन दोनों के बीच में आएगा वो। ओके चलिए, तो मेरा जो आंसर रहेगा ना वो रहना है, ध्यान दीजिएगा, 3 point something है ना, तो 3 का लॉग तो आना ही है, इट इज 3 point something, तो लॉग 3 का जो वैल्यू है वो तो आएगा ही, दैट इज 0.477। साथ में और कितना आएगा बता देता हूं, साथ में और कितना आएगा, दैट इज प्लस, राइट, कितना नंबर बचा पीछे, 3 का तो निकाल लिया हमने, बचा है क्या 0.587, इट इज 0.587, जो भी बचा है 0.587, 3 का लॉग मैंने निकाल लिया वहां से 0.587। ओके, इसके साथ क्या करना है, इसके साथ आपको इन दोनों का, आपका नंबर अभी यहां पर है 3 और 4 के बीच में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई कर देना है, खेल खत्म, समझे, तो इन दोनों का डिफरेंस 0.602 एंड 0.477। आपको बहुत सारे बनावटी लोग मिलेंगे यूट्यूब पे जो आपको कुछ भी बता देंगे लॉग में, खुश मत हो जाना, दैट्स द एग्जैक्ट मेथड टू फाइंड इट। क्या करना है आपका, ये नंबर कहां पर है 3 और 4 के बीच में, तो 3 का लॉग एज इट इज रहेगा, 0.587 के साथ 0.587 के साथ 3 और 4 के लॉग के डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, आप अपने अपने हाथ चलाइए अच्छे से, मैं इसमें कैलसी चला लेता हूँ, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा, दैट इज वाई 0.587, ओके, प्लस करना है 0.477, तो ये आ जाएगा आपका 0.55037, क्या आ गया ये 0.55037, प्लस कर दो दोनों को 3.550,
37. That's it. तो ये आ गया आपका log of which number 3587. ठीक है, चलो यहाँ पे ले जाऊँ log में. Let's find out. आप समझ चुके हो क्या करना है वो, है कि नहीं? ओके चलिए, पहले नंबर दिया था, साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसका सीधा हो जाएगा -4, इसका लॉग निकालना पड़ेगा. चलो 1 point something है, तो आपका नंबर कहाँ आएगा? बिटवीन 1 and 2. 1 point something है ना, तो कहाँ पे आना है ये? बिटवीन 1 and 2. चलो 1 का लॉग कितना है? 0 है. ओके, तो 0 में क्या प्लस करेंगे? चल कितना बचा ये? 0.785. कितना बचा ये? 0.785 बचा ये वाला. ओके, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? 1 और 2 के लॉग का डिफरेंस. तो 1 और 2 इनका डिफरेंस क्या होगा? 0.301 माइनस 0, दैट इज 0.301. चले करते हैं मल्टीप्लाई. 0.301 इनटू 0.785, राइट, माइनस क्या करना है? ओके, दिस वैल्यू विल कम एज 0.2363, यू कैन टेक, राइट, उसमें से आप माइनस 4 कर दो, तो योर आंसर वुड बी -3.7637. तो ये हो गया आपका लॉग फाइन. ओके चलिए, अब अगर आप इतना समझ लिए हो ना, हम एक काम करते हैं, विद इन 30 seconds लॉग निकालते हैं, विद इन 30 seconds. ओके, मैं नंबर लिखूंगा, आप घड़ी को सेट कर दोगे काउंटिंग मोड के ऊपर. ओके चलिए, आई विल राइट द नंबर. लेट से आवर नंबर इज लॉग ऑफ 568975. ओके, इसका मुझे लॉग निकालना है. ओके चलिए, घड़ी को सेट करेंगे. 3 2 1 लेट्स गो. पहला स्टेप, साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट. 5.6 यू कैन अप्रोक्सीमेट इट. ओके 89 लिख दो आप, उसकी जगह आप 90 कर सकते हो यहाँ पे. यू कैन राइट दिस 90, इसको इग्नोर करो. 10 पावर कितना होगा? 1 2 3 4 5. चलिए इसका लॉग निकालेंगे 5.690 का, इनटू का हो जाएगा प्लस 10 पावर 5 का लॉग हो जाना है 5. इतना हम सीख चुके हैं. चलिए इसका लॉग 5 और 6 के बीच में आएगा. 5 का लॉग कितना है? 0.6990. 0.699 5 का लॉग, ये क्या है भाई? 0.690, राइट. 5 और 6 के लॉग का डिफरेंस, 5 और 6 के लॉग का डिफरेंस 0.778 माइनस 0.699. इन प्लस क्या कर देना है? 5. चलो आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ गया विदिन 30 seconds. समझ आ गया लॉग कैसे निकालना है? एकदम टकाटक क्लियर. टेबल दिया हो ना दिया हो, कैसी हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. हम खाली इतना डेटा याद रखेंगे, थोड़ा बेसिक याद रखेंगे, वी कैन ऑलवेज सॉल्व द लॉग. इज इट क्लियर? ओके चलिए, अगर आपको ये लॉग समझ में आ गया है, तो अब एंटी लॉग इसका करना है रिवर्स. क्या करना है इसका? रिवर्स करना है. ठीक है, चलिए बताता हूं एंटी लॉग में हम क्या करने वाले हैं. चलिए, तो अब बारी आ जाती है एंटी लॉग को फाइंड करने की. मुन्ना लॉग, एंटी लॉग जो है वो लॉग का रिवर्स प्रोसेस है. ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि एंटी लॉग ऑफ सपोज मैंने लिखा है 3.169, इसका मतलब ये होता है कि 10 का हमने लॉग में क्या किया था? लॉग में हमने ये सीखा था कि 10 के कितने पावर का आंसर ये आता है जो लॉग होता है, राइट. अब एंटी लॉग का मतलब है कि 10 का 3.169 पावर कितना होता है, दैट इज एंटी लॉग सीरीज, राइट. लॉग में ये था कि 10 का कितना पावर वो नंबर देगा आपको. एंटी लॉग इज रिवर्स, के 10 के पावर कितने होंगे. ठीक है चलिए, तो यहां पे आपको दो तरह के एंटी लॉग होते हैं. एक होता है पॉजिटिव नंबर का एंटी लॉग, दूसरा होता है नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग. ठीक है चलिए, तो पहले पॉजिटिव नंबर से शुरू करते हैं. इफ यू वॉन्ट टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ, लेट्स से द नंबर कितना लेना है बोलो, 4.816 ले लेते हैं. चलिए इसका एंटी लॉग निकालना है. अब कई बार एंट्रेंस एग्जाम में इसका आंसर सीधा ऐसा ही लिखा होता है कि एंटी लॉग टू द बेस 10 होता है ये, तो इसका मतलब है 10 का कितना पावर? 4.816 पावर, ऐसा ही लिख दिया होता है कई बार, राइट. बट इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स फॉर बोर्ड एग्जाम यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस. सिंपल है भाई, भरोसा करो मेरे ऊपर, बहुत सिंपल है. लॉग एंटी लॉग का रूल तो बहुत आसान है, कोई साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है. लॉग में तो कन्वर्ट किया था, इसमें कुछ नहीं करना है. जैसे दिया है सीधा 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 जो पॉइंट के पहले है इसको चढ़ा देना है पावर ऑफ 10 में. कहां चढ़ा देना है भाई इसको? पावर ऑफ 10 में, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव में थोड़ा गेम बदलेगा. अभी पॉजिटिव नंबर का एंटी लॉग चल रहा है भाई, ध्यान रहे ध्यान. चलो, तो ये हो जाएगा सीधा 10 पावर 4 इनटू,
इसका निकालना पड़ेगा एंटी लॉग। किसका बाकी है भाई? एंटी लॉग बाकी है 0.816 का, ठीक है। तो जिस तरह से आपने लॉग में कुछ नंबर याद रखे थे, उस तरह से एंटी लॉग में भी कुछ नंबर याद रखने पड़ेंगे। इट इज लिटल बिट मोर ट्रिकी कंपेयर टू द वैल्यूज ऑफ लॉग। आपको सारे वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि 10 पावर 0, एंटी लॉग ऑफ 0 दैट इज 10 पावर 0, किसी भी नंबर का 0 पावर होता है 1, ओके सिंपल। एंटी लॉग ऑफ 0.1 दैट इज 10 पावर 0.1, 10 पावर 0.1 का वैल्यू होता है 1.25। इसी तरह से एंटी लॉग ऑफ 0.2 होता है 1.58। यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू, आई कैन नॉट हेल्प यू इन दैट, ओके। आप एक दो बार पढ़ोगे आपका मोबाइल नंबर कैसे याद हो जाता है, होता है कि नहीं, है ना। अगर किसी दोस्त का, अगर स्पेशल से फ्रेंड का फोन नंबर होगा तो कितना आसानी से याद हो जाएगा, है कि नहीं। एक बार नजर मारेंगे ना तो भी याद हो जाएगा। तो ऐसा ही समझ लो कि ये आपकी एक खास दोस्त है जिसका फोन नंबर आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। इसी तरह एंटी लॉग ऑफ 0.30 1.99 दैट इज नियरली 2, ये आप एक रेफरेंस याद रख सकते हो। एंटी लॉग ऑफ 0.3 इज नियरली 2, राइट, क्योंकि 2 का लॉग था 0.3010, है कि नहीं। 2 का लॉग क्या था? 0.3010, तो 0.3010 का एंटी लॉग कितना होगा? वापस 2 आया नियरली, है कि नहीं, ओके। इसी तरह 0.40 एंटी लॉग इज 2.51, 0.50 3.16, एंटी लॉग ऑफ 0.60 3.90 दैट इज नियरली 4, रेफरेंस याद रखो, राइट। आपने लॉग 4, लॉग 4 आपने लिखा था 0.6020, तो 0.6 का एंटी लॉग वापस क्या होगा? 4 के नियर होगा, दैट इज 3.98, राइट। लॉग ऑफ 0.7 दैट इज 5, मतलब 10 का 0.7 पावर कितना होता है? 5 होता है, 5, राइट। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है 10 का 0.7 पावर दैट इज 5। सिमिलरली 10 का 0.8 पावर 6.38, 0.9 पावर इज 7.94 एंड 0.99 पावर इज 9.77। तो ये वैल्यू अगर आपने याद कर लिया तो आप एंटी लॉग ऐसे ऐसे चुटकी मार के सॉल्व कर सकते हो। मारते हैं चुटकी, देखते हैं। चलो, एक चुटकी थैनोस की थी, आधी दुनिया गायब हो गई थी। एक चुटकी आयरन मैन की थी, थैनोस ही गायब हो गया था, है ना। चलो एनीवेज, हमें क्या करना है? 0.816 है, तो 0.8 का वैल्यू कितना है? जैसे लॉग में किया था वैसे ही करना है। 0.8 का वैल्यू है 6.31, पुट इट हियर, 6.31 रख दिया यहाँ पे। चलिए, कितना बाकी रह गया ध्यान दीजिएगा। वी हैव प्लेस 6.31, ओके। क्या करेंगे हम यहाँ पे? प्लस करेंगे, राइट। क्या प्लस करना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। 16 बचा है, 0.8 का तो आ गया, 16 बचा है। 16 की जगह आपको लिखना है 0.16 लिखना है। क्या लिखना है? 0.16 इंटू डिफरेंस। चल मुन्ना, डिफरेंस कितना है इन दोनों का? किसके बीच में नंबर होगा आपका? 81 है ना, तो इन दोनों के बीच में नंबर होगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल, 7.97 -6.31, राइट, ओके। इंटू क्या है? ऑलरेडी 10 पावर 4 है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप प्लस करिए, आपका आंसर आना है कुछ, लेट मी कैलकुलेट, 7.97। आप ऐसा मत कहना कि सर आप तो कैलसी यूज़ कर रहे हो। मैं थोड़ी एग्जाम दे रहा हूँ, है ना, ये बात है। 6.31 दैट इज 6.57 यू कैन राइट इंटू 10 टू द पावर 4, दैट इज योर एंटी लॉग। अंडरस्टूड दी एंटी लॉग लॉजिक? चलिए एक और एंटी लॉग पॉजिटिव नंबर का बहुत ही क्विकली निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, इट इज एंटी लॉग ऑफ 11 पॉइंट नंबर बताओ कोई, 325। चलिए एंटी लॉग निकालना है। भाई सर ने क्या सिखाया? पॉइंट के पहले कहाँ जाएगा? पावर ऑफ 10 हो जाएगा, ये 10 पावर 11 चढ़ गया। चलिए किसका एंटी लॉग निकालेंगे? हम निकालेंगे एंटी लॉग ऑफ 0.325। ओहो, बहुत होशियार आप सब लोग। 0.3 का एंटी लॉग देखो कितना है, 1.99, राइट। क्या जोड़ना बाकी है? 0.25 जोड़ना बाकी है पीछे का। किसका डिफरेंस लेंगे? 3 और 4 के एंटी लॉग का, 2.51 -1.99, 2.51 -1.99। चलिए आप जैसे ही करोगे, ये करोगे ना, 2.51 -1.99 इंटू 0.25 प्लस 1.99, दिस वुड बी 2.12 इंटू 10 टू द पावर 11। ये हो गया इसका एंटी लॉग, ओके। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे नेगेटिव के एंटी लॉग की, हो जाए रेडी एवरीवन। पॉजिटिव समझ में आ गया है? एंटी लॉग पॉइंट के पहले 10 के पावर में, पीछे वाले का एंटी लॉग देख के रख देना है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर। कोई डरना नहीं है हमको, आ जाएगा। एक छोटा सा ट्रिक है, उसके बाद तो ऐसे ही करना है। अगर मुझे फाइंड करना है एंटी लॉग ऑफ
-5.85. लेट्स फाइंड आउट, हो जाएगा डरने का ना आए। अब जब भी नेगेटिव नंबर होगा, माइनस फाइव है ना, एक और माइनस करो, माइनस फाइव में से एक और माइनस, दैट इज माइनस सिक्स, उसको आपको लिखना है ऐसे सिक्स बार करके पॉइंट, ये जो नंबर है 0.85 उसको वन में से माइनस कर देना है। क्या करना है उसको, वन में से माइनस कर देना है। समझे कि ना आई, समझे कि ना आई। अगर मैं आपको इसको तोड़ के बताऊं ना, तो हमने क्या किया पता है, इट इज लाइक दिस, -5.85 इट इज -5 प्लस पॉइंट प्लस -0.85। एग्री और नॉट, एग्री और नॉट, यू हैव टू एग्री विद दिस, खाली तोड़ के लिखा है। ओके, इसमें से एक माइनस वन करना है, इसमें एक प्लस वन करना है, तो दिस इज गोइंग टू बिकम -6.1 -0.85 इज 0.15। समझ लिए, हाँ कहना, ऑब्वियसली हाँ, तो ये हो जाएगा 0.15। तो जब भी नेगेटिव का एंटीलॉग निकालना है, जो भी नंबर पॉइंट के पहले है उसमें से एक और माइनस करना है, और जो पॉइंट के पीछे है उसको वन में से माइनस करना है। दिस इज द लॉजिक, ठीक है। चलो अब एंटीलॉग निकालना है। अब तो रूल के हिसाब से ये कहाँ जाएगा, पावर ऑफ 10, 10 पावर माइनस 6। एंटीलॉग किसका निकालोगे, 0.15 का। चलो 0.1, 0.1 का एंटीलॉग है 1.25, राइट। कितना बचा है और पीछे 5 बचा है, 5 मतलब 0.50 है कि नहीं, जैसे यहां किया वैसे ही करना है। 0.1 का आ गया, 5 का बाकी है, 5 मतलब 0.50। ओके, किसका डिफरेंस लेंगे, वैल्यू कहां पर है, 0.1 कितना है, 0.15 है, इन दोनों के बीच में होगा ना, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 1.58 -1.25, राइट। ओके चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बता दीजिए आपका आंसर कितना आ रहा है, 1.58 -1.25 +1.25, दिस इज 1.415 × 10 पावर -6 का आ गया। ये रहा भाई, ये जिंदा है अभी, 10 पावर -6 इज देयर। तो ये हो गया इस नंबर का एंटीलॉग। चलिए बच्चा लोग, विद इन 30 सेकंड हो जाए एक एंटीलॉग का क्वेश्चन, ठीक है, फिर हम वाइंड अप करेंगे। चलिए घड़ी सेट करेंगे, पहले नंबर तो लिख दे। सो लेट मी फाइंड एंटीलॉग ऑफ, राइट, -0.67। घड़ी सेट सबके, लेट्स गो, 3, 2, 1 लेट्स गो। एंटीलॉग है, नंबर कैसा है भाई, नेगेटिव है। चलिए नेगेटिव नंबर है, तो जो अभी हमने सीखा है इसको एक और माइनस करेंगे, जीरो में से एक माइनस किया, क्या हो जाएगा, -1, और इस नंबर को वन में से माइनस करेंगे, 1 -0.67 दैट इज 0.33, राइट। समझ गए, इसको क्या करना है आपको, एक और माइनस करना है, इसको क्या करना है, वन में से माइनस करना है, नेगेटिव में खाली, पॉजिटिव में तो सीधा ही अपने पावर चला दिए थे ऊपर, है कि नहीं। चलो ये कहाँ जाएगा, 10 के पावर में, किसका एंटीलॉग निकालेंगे, 0.33 का। चल मुन्ना जा, 0.33 का एंटीलॉग कितना है, 1.99। कितना बचा पीछे, एक 3 बचा है, 3 मतलब 0.30 बचा, किसका डिफरेंस, 0.33 नंबर है इन दोनों के बीच में आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ले मुन्ना, 2.51 -1.99 हो गया तेरा कल्याण बेटा। जवाब बता देता हूँ, अब ये स्टेप थोड़ा टाइम खा जाएगा, हाँ, दिस इज 2.146 × 10 पावर कहाँ गया, -1। तो ये हो गया इसका एंटी लॉग, राइट। तो आई होप कि अगर आपने ये 25 मिनट के वीडियो को कड़क समझ लिया है, तो आपको आगे जाके लॉग और एंटी लॉग फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, राइट। कुछ बेसिक्स वैल्यू याद रखने हैं, कुछ बेसिक रूल्स याद रखने हैं। वापस एक बार क्विक रिविजन, लॉग निकालना है, पहले क्या करेंगे, साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे लॉग निकालने के लिए, ठीक है, ओके। फिर जो भी 10 के पावर में है वो सीधा नंबर हो जाएगा, और जो आगे वाले है उसका हम लॉग देखेंगे, मैंने आपको लॉग का टेबल बता दिया था, राइट। अगर एंटी लॉग है, सीधा पॉजिटिव नंबर है, जो पॉइंट के पहले है सीधा 10 के पावर में, पॉइंट के पीछे वालों का ऐसे एंटी लॉग देख के आपको रख देना है। नेगेटिव नंबर है, एंटी लॉग निकालना है, राइट, नेगेटिव नंबर और एंटी लॉग निकालना है, राइट। तो क्या करेंगे हम करेंगे, जो भी पॉइंट के पहले है उसमें से एक और माइनस करेंगे,
जो पॉइंट के बाद है उसको वन में से माइनस करेंगे, ये लॉजिक, आगे माइनस वन पीछे प्लस वन, ओके। फिर जो पॉइंट के पहले है वो टेन के पावर में, जो पॉइंट के पीछे उसका एंटीलॉग देख के रख देना है, ठीक है, ओके। चलिए एक छोटे से सवाल के साथ में आपको छोड़ के जा रहा हूं, और सवाल ये है, हाउ विल यू फाइंड लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर मैंने नहीं सिखाया है आपको, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेगेटिव नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।